यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इस साल ये महोत्सव 5 से 11 मार्च तक मनाया जा रहा है। क्या है इस महोत्सव के पीछे की कहानी, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शिवरात्रि के अगले दिन से मनाया जाने वाला 7 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव जिला या प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। इसकी सही शुरुआत की तो किसी को जानकारी नहीं, लेकिन ये सच है कि शिवरात्रि महोत्सव का मंडी रियासत के राज परिवार के साथ गहरा नाता है। जब तक मंडी शहर के राज माधव राय की पालकी नहीं निकलती, तब तक शिवरात्रि महोत्सव की शोभा यात्रा नहीं चलती। राज माधव राय भगवान विष्णु या कहें भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। 17वीं सदी के दौरान मंडी रियासत के राजा सूरत सेन के सभी 18 पुत्रों की मौत हो गई और उन्होंने अपना राजपाट भगवान श्री कृष्ण के नाम यानी राज माधव राय के नाम कर दिया और खुद सेवक बन गए। सूरत सेन राजा तो 1705 शताब्दी में सूरत सेन राजा होता था जिसके 18 पुत्र थे। उनके सारे के मर जाने के बाद राजा सूर्य सेन ने जो है अपना जो राजपाट था वो यहाँ भगवान माधुराय को सौंप दिया था। वो अपने आप एक सेवादार के नाते काम करते थे। शिवरात्रि महोत्सव को लेकर एक मान्यता ये भी है कि ये एक ऐसा महोत्सव है जिसमें शैव वैष्णव और लोक देवता का संगम होता है। शैव भगवान शिव को कहा गया है, वैष्णव भगवान श्री कृष्ण को और लोक देवता देव कंभुनाथ को। इन तीनों की अनुमति के बाद ही मंडी का शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है। इतिहासकार बताते हैं कि राजाओं के दौर में वर्ष में एक बार यानी शिवरात्रि के दौरान मंडी रियासत के सभी ग्रामीण अपने ग्राम देवताओं के साथ राजा से मिलने आते थे। इस दौरान साल भर का लेखा जोखा भी होता था और शिवरात्रि का उत्सव भी मनाया जाता था। धीरे धीरे देवता जो है आना स्टार्ट किए। वो कैसे, क्योंकि जितने भी देवता रस पर चढ़ते थे वो राजा पहले उसको उनकी परीक्षा लेते थे, परीक्षा लेने के बाद ही उनको रथ के लिए बोलते थे, तभी रथ इनके बनाए जाते थे, रथशैली में देवता आते थे। शिवरात्रि का जो महत्व है, हमारे मंडी शिवरात्रि का जो महत्व है, राजाओं द्वारा ही ये स्थापित किया गया है और जो महाशिवरात्रि तो शुरू चली आ रही है। धीरे धीरे इस महोत्सव का स्वरूप बदलता गया, राजाओं के राज समाप्त हुए। आज इसी महोत्सव का विकसित रूप मंडी के ऐतिहासिक पटल मैदान में देखने को मिला है। अब इस महोत्सव की सारी बागडोर जिला प्रशासन के पास आ गई है। अभी जो है शिवरात्रि की पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा देखी जाती है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष जो है वो डीसी मंडी होते हैं और जो भी व्यवस्था यहाँ पर होती है वो प्रशासन द्वारा की जाती है। आज भी इस महोत्सव में मंडी रियासत के करीबन 215 देवी देवताओं को जिला प्रशासन निमंत्रण पत्र भेजता है। हालांकि कुछ पंजीकृत देवी देवता महोत्सव में नहीं आते जबकि बिना पंजीकरण वाले देवी देवता भी इसमें शिरकत करते हैं। देव समागम का ये अद्भुत नजारा देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और देव समागम ही इसका मुख्य आकर्षण भी है। मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।